हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज है ट्यूसडे और हर दिन की तरह मम्मा की मॉर्निंग शुरू हो जाती है उनकी पूजा रूटीन के साथ। मम्मा पूजा के ऑलमोस्ट सारे बेसिक रूल्स फॉलो करते हैं, लेकिन मैं इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती। और इसीलिए एक क्वेश्चन मेरी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में हमेशा मुझसे पूछा जाता है कि क्या मैं पूजा नहीं करती। तो चलिए आज इसी का जवाब देने की कोशिश करती हूँ। वो सुप्रीम सोल जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा और उसे संभाले हुए भी है, उसे याद करने का, उसका थैंक्स करने का और उसकी पूजा करने का तरीका सबका डिफरेंट हो सकता है। हिंदुइज्म में हम लोग मोस्टली अगरबत्ती और दीपक जला के पूजा करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। जैसा अच्छा लगे वैसा करना भी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से ये सिर्फ और सिर्फ एक्शंस हैं जिन्हें करते हुए कभी हमारा मन किचन में, कभी ऑफिस में, तो कभी नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स में रहता है। एक मिनट भी अगर मन उस सुप्रीम पार्क के साथ कनेक्शन बना ही नहीं पाया, तो आपने कौन से ब्रांड की अगरबत्ती जलाई और कौन सी होली बुक के कितने चैप्टर रीड कर लिए, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं भी उस नेचर में उतना ही बिलीव करती हूँ जितना कि आप, लेकिन उन सारे रिचुअल से ज़्यादा मेरा फोकस उस पार के साथ कनेक्शन जोड़ने में रहता है। इसीलिए मैं मेडिटेशन करती हूँ और उसके साथ कनेक्शन जोड़ के उसकी दी हुई ज़िंदगी का थैंक्स करने के लिए आई डोंट थिंक कि किसी रिचुअल को पूरा करने की ज़रूरत है। सो मेडिटेशन ही मेरी पूजा है। पूजा के बाद मम्मा आ जाते हैं किचन में अपने लिए और पापा के लिए चाय बनाने, और ब्रूनो आ जाता है अपनी प्रेजेंट लगवाने। और यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं आप स्टफ़ी को। उसे लगता है कि मुझे कोई नीचे उतारे तो मैं जाके ब्रूनो के साथ शैतानी करूँ। और मैं सुबह के अपने छोटे मोटे काम निपटाने में लग जाती हूँ और उसके बाद ही कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। तो अभी मैंने ऊपर नीचे का सारा गार्बेज बाहर गार्बेज बिन में डाल दिया है कि जब गार्बेज उठाने वाली गाड़ी आए तो भागना ना पड़े। और लॉन्ड्री का लोड मैं हमेशा कुकिंग स्टार्ट करने से पहले लगा देती हूँ, क्योंकि जितना टाइम कुकिंग करने में लगेगा उतने में कपड़े धुल चुके होंगे। और उसके बाद मेन्यू के अकॉर्डिंगली शुरू होता है कुकिंग का काम। आज बना रही हूँ मैं मूंग दाल खिचड़ी और साथ ही वेज मखनी। पील किया हुआ गार्लिक भी बहुत कम बचा है, जिंजर के साथ उसे ग्राइंड करके जिंजर गार्लिक पेस्ट बना लूंगी। और ये इतना पेस्ट दोनों डिशेज में लग जाएगा। तो जैसे ही पील किया हुआ जिंजर खत्म होता है, साथ के साथ मैं और सोक करके रख देती हूँ। और जब भी फ्री बैठे होते हैं मैं या मम्मा, थोड़ा थोड़ा हम दोनों पील करते रहते हैं और सोक करके रखा हुआ जल्दी पील हो जाता है। काफ़ी दिनों से हमने खिचड़ी नहीं बनाई है, तो आज मेरा मूंग दाल खिचड़ी खाने का मन भी कर रहा था। लेकिन अगर सिर्फ खिचड़ी बनाऊंगी तो घर के कुछ लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, जैसे कि पापा खिचड़ी बिल्कुल नहीं खाएंगे। कुलदीप जी को चावल या खिचड़ी कुछ भी हो, उनके साथ चपाती या सब्जी भी चाहिए होती है। उदय के लिए भी हम सेम ही चीज़ कह सकते हैं। तो इसीलिए खिचड़ी के साथ साथ मैं वेज मखनी बना रही हूँ, साथ में थोड़ी सी चपातियाँ लगा दूंगी तो बन जाएगा कम्प्लीट लंच। वेज मखनी बनाने के लिए सबसे पहले सब्जियों को हल्का फ्राई करेंगे। ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है मैंने बर्तन में। एक सर्विंग स्पून ऑयल में थोड़े से आलू डाल दिए हैं कटे हुए, थोड़ी सी फ्रेंच बीन्स डाल दी हैं, आप गाजर डाल सकते हैं, गोभी डाल सकते हैं। मैं थोड़े से मटर भी डालूंगी, फ्रोजन मटर हैं ये। मटर हमेशा हम खुद पील करके फ्रीज करते हैं। मटर फ्रीज किए हों तो इनको कुक करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। जितने मटर आपको चाहिए उतने बर्तन में निकाल के थोड़ा सा गर्म पानी डाल के एक मिनट के लिए रख दें, जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं। आलू और बीन्स को 1.5 से 2 मिनट पकाने के बाद उसमें डाल देंगे शिमला मिर्च कटी हुई, साथ ही फ्रोजन मटर। अब इन्हें भी हमने 1.5 से 2 मिनट कुक करना है, तो लिड लगा दें और मीडियम फ्लेम पे इन्हें आराम से पकने दें। तब तक हम खिचड़ी के लिए दाल और राइस को वॉश करके सोक कर लेते हैं। दाल या राइस को वॉश करने के बाद जो पानी बचता है मैं उसे फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि ये प्लांट्स को देने के काम आता है। तो चलिए सब्जी चेक कर लेते हैं। ऑलमोस्ट सब्जी कुक हो चुकी है, अगर कुछ कसर बाकी होगी तो जब हम ग्रेवी लगाएंगे तो उसमें भी कुक हो जाएगी। तो इसे अलग से एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी बर्तन में हम इसके लिए तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए उसी बर्तन में मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है और साथ ही वाइट होममेड बटर डाल दिया है, इससे टेस्ट और भी अच्छा आ जाता है। तो सबसे पहले मैंने जीरा डाला है और उसके बाद डाल दिए हैं कटे हुए प्याज। प्याज को अच्छे से ब्राउन होने देंगे और जब तक प्याज ब्राउन हो रहा है तब तक पापा के लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी हो जाएगा। तो फटाफट से पापा के लिए 2 परांठे बना देती हूँ। नए सब्सक्राइबर्स के लिए बता देती हूँ कि लॉकडाउन के इस पीरियड में बाकी के मेंबर्स ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, और जब तक पापा का ब्रेकफास्ट रेडी हुआ तब तक प्याज भी ब्राउन हो गया। इसमें डाल दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, साथ ही कुछ ग्रीन चिलीज डाली हैं, सॉल्ट डाला है, टर्मरिक पाउडर डालेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और बस इनको अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी डाल के इसमें मसालों को पका रही हूँ ताकि मसाले जल ना जाएं।
और उसके बाद चार टमाटरों को ग्राइंड करके उनकी प्यूरी मैंने इसमें डाल दी है। लेड लगा के टमाटो प्यूरी को अच्छे से पकने देंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच काजू पेस्ट, साथ ही डाल देंगे क्रीम या मलाई जो भी आपके पास अवेलेबल है। काजू पेस्ट या मलाई वगैरह डाल के मील्स थोड़े हैवी हो जाते हैं, ऐसे मील्स हमेशा थोड़ी क्वांटिटी में बनाएं ताकि ओवर ईटिंग ना हो पाए। वेज मखनी ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन थोड़ा सा पानी डाल के इसको 3 से 4 मिनट हम मीडियम फ्लेम पे और पकाएंगे, सब्जियों में सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं। और यहाँ स्टफ़ी नीचे आ चुका है और आराम से ब्रूनो के साथ बैठा है। कोशिश करता है वो ब्रूनो के साथ खेलने की क्योंकि वो बहुत ही एक्टिव डॉग है, लेकिन ब्रूनो आजकल थोड़ा सुस्त चल रहा है, बैठना और सोना ज़्यादा पसंद करता है। स्टफ़ी नो, स्टफ़ी नो। वेज मखनी रेडी हो चुकी है, खिचड़ी बनने में 8 से 10 मिनट लगेंगे सिर्फ, तो फटाफट बनाने जा रही हूँ मैं। और सैलड यहाँ पे तैयार हो रहा है। प्रेशर कुकर में 2 से 3 चम्मच मैंने ऑयल के डाले हैं, उसके बाद इसमें डाल दिया है तेज़पत्ता, दालचीनी डाली है, थोड़ा सा डाला है जीरा, लंबे लंबे स्लाइसेस में कटे हुए अनियंस डाल दिए हैं और थोड़ा सा इसको सॉटे करेंगे। उसके बाद साथ ही इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्का सा इसको रोस्ट करेंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे लंबे स्लाइसेस में कटे हुए ही टमाटर। प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो टमाटर्स को ज़्यादा सॉफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि खिचड़ी के साथ सब कुछ इजीली पक जाएगा। थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च डाल दी है यहाँ पे कटी हुई, आप चाहें तो मटर भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है। सीजनिंग में डाल रही हूँ नमक और हल्दी, बस इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद जो सोक करके हमने रखे हैं दाल और राइस, उनको इसमें डाल देंगे। गरम मसाला वगैरह खिचड़ी में डालने की कोई ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि मैंने इसमें तेज़पत्ता डाला है, दालचीनी डाली है, तो उसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर खिचड़ी में आ जाएगा। तो 1 कप चावल और 1/4 कप दाल के लिए मैंने 5 कप यहाँ पे पानी डाला है। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी पतली या थिक खिचड़ी आप खाना चाहते हैं। और सैलेड तैयार होकर किचन में पहुँच चुका है और किचन में ही मस्ती करते करते खाया भी जा रहा है। क्या बनाया? खिचड़ी बनाई है मूंग दाल की, आपने बनाई है? और ब्रश कर रहा और मैं क्लास ज्वाइन की तब तुम ब्रश कर रहे थे। हाँ, ज्योग्राफी में आपने बोला उदय ठाकुर का नया स्टूडेंट आया है उसका फेस दिखाओ, और मैं ब्रश कर रहा हूँ, मैं ऐसे मुड़ के देखता हूँ, मैं सब लोग मेरे को देख रहे हैं। मैंने मुंह से बाहर कहा था गुड मॉर्निंग। सच में? हाँ, सब लोग मैम दिख रहे थे, बाकी भी देख सकते थे मेरे को बॉडी लैंग्वेज स्टूडेंट। तो कैसे तूने ऑफ नहीं किया था अपना वाला साइड? मेरा ऑडियो ऑफ था, मेरे वीडियो ऑन थी, ब्रश कर रहा मैं देखो मैम को देख रहे हैं वहां से। गुड मॉर्निंग मुझे बता, मेरे में ऑडियो ऑन था वाला। गुड मॉर्निंग मैम। तो टाइमली उठो ना क्लास से कम 1 घंटा पहले तो उठो। और क्लास छोड़ के अभी यहां पे क्या कर रहे हो? अभी ब्रेक दिया 10 मिनट। चलो फिर खाना खा लो फटाफट, हिंदी क्लास ओवर हो जाएगी 20 मिनट में, उसके बाद आता हूं। तो बस मैं अब खाना सर्व कर रही हूँ, खिचड़ी भी बन चुकी है और सब्जी भी बन चुकी है। लेकिन खिचड़ी को सर्व करने से पहले हम एक छोंक लगाएंगे। देसी घी डाला है मैंने पैन में, साथ ही कुछ कड़ी पत्ता डाला है, कुछ सूखी लाल मिर्च डाली है, साथ ही डाले हैं सरसों के दाने। बस ये हल्के से क्रैकर हो जाए, उसके बाद ये सब कुछ हम डाल देंगे खिचड़ी में, जिससे कि खिचड़ी का फ्लेवर और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। स्टेफू, मम्मा कहाँ हैं? मंदिर के बाहर खड़ा होकर देखता है मम्मा भोग लगा रहे हैं, फिर मुझे भी कुछ मिलेगा उसमें से। इधर आ। डॉग लवर्स को ये सीन देख के कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी लोगों को ये देखने में अजीब लग सकता है, लेकिन मैंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला है। सुबह से उसका खाना यहाँ रखा हुआ है और वो नहीं खा रहा है, और जब भी वो खाना ठीक से नहीं खाता है तो मैं उसे अपने हाथों से ही खाना खिलाती हूँ। जिस कलर का आप सूट पहने उस कलर का ही मास्क लगाएं, जैसे कि मैं लगा रही हूँ पिंक सूट पिंक मास्क। इतना टाइम लगाते हो, मैं इतनी देर से कॉल कर रही हूँ, कॉल क्यों नहीं उठाते? हेलो, फोन क्यों नहीं उठाते? कब से मैं बाहर खड़ी हूँ यार। अच्छा, वो आपका फोन देती है ना? पिटेगा तू। मैं भूल गई थी कि आगे नहीं बैठ सकते, पीछे बैठना पड़ेगा।
क्या बात करते हो? फ्रेंच फ्राइज खाए हैं आज। आज बारिश हो रही है, पकौड़े बना देना वैसे। आपको पता है कि जब भी इसने स्नैक में कुछ हैवी खाना होता है मेरे को कैसे बोलता है? कि मेरे को बोलता है मम्मा आज आप फ्रेंच फ्राइज बना रहे हो। मतलब मैं फ्रेंच फ्राइज बना रही हूँ, मुझे ही नहीं पता होता कि मैं फ्रेंच फ्राइज बना रही हूँ। ये रिक्वेस्ट नहीं करता मेरे को कि मम्मा आज मुझे ये खाना है प्लीज बना दो। नहीं मम्मा आज आप ये बना रहे हो, मम्मा आज आप वो बना। अच्छा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, देखते हैं मम्मा मानते हैं कि नहीं। मम्मा आज चिकन खाना मेरे को रात को बना दोगे? आज चिकन डे है, देखा आज चिकन डे है ही तो रिक्वेस्ट करने का फायदा ही नहीं। मार्केट के कुछ छोटे मोटे काम करने के बाद अब हम जा रहे हैं सेक्टर 37 बॉयज पीजी में, और यहाँ से हमें विशाल का सामान उठाना है क्योंकि लॉकडाउन के वक्त से ही विशाल अपने घर चला गया था और यहाँ पे सिर्फ उसे रेंट पड़ रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहाँ पे कोचिंग ले रहा था, लेकिन अब उसका कहना है कि वो सेल्फ स्टडी ही करेगा, तो यहाँ कोचिंग लेने वापस नहीं आएगा। मेरे पुराने व्यूअर्स ने बहुत बार विशाल को मेरी वीडियोज में देखा भी है, लेकिन नए व्यूअर्स अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ, विशाल मेरी सिस्टर इन लॉ का बेटा है। तो यहाँ चंडीगढ़ में ही पहले जॉब कर रहा था, लेकिन अब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। बस बाकी सारा सामान ले लिया वो। सही है, ठीक है। पूछी चलो चलो चीजी खाएंगे, चलो चीजी के नाम से पड़ा पटाके। चल 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 खोल तो दरवाजा, गंदे तेरे डोनट्स कहीं नहीं मिले। अच्छा आते ही सब लोग पेस्ट्रीज खाने लग। चना चाट कौन कौन खाएगा? जैस्मिन चना चाट, उदय चना चाट, नो मम्मा चना चाट। आज चाय भी लेट हो गई, शाम के 6 बज चुके थे और भूख भी काफ़ी लगी थी, तो बना रही हूँ मैं चना चाट। फ्रीज करके रखती हूँ मैं बॉयल्ड चना, जितने चाहिए हो उतने निकाल के गर्म पानी में डालें और इमीडिएटली आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ बॉयल्ड आलू भी मैं हमेशा फ्रिज में रखती हूँ, तो इससे चना चाट बहुत ही जल्दी बन जाएगी और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चना के साथ एक कटा हुआ प्याज, एक हरी मिर्च और साथ ही एक बॉयल्ड आलू डाला है, ब्लैक सॉल्ट डाला है, चाट मसाला डाला है, काली मिर्च पाउडर और साथ ही इसमें डाल देंगे जीरा पाउडर, सौंफ का पाउडर और रेड चिली पाउडर। साथ ही इसमें डाल रही हूँ एक नींबू का रस। आप चाहें तो टेस्ट को बैलेंस करने के लिए एक चम्मच शुगर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। ऐसे ही चटपटी चाट हमें बहुत टेस्टी लगती है। बस अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक पैन में मैंने व्हाइट बटर डाला है थोड़ा सा, सब कुछ उसी पैन में डाल देना है और 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसे कुक करना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पनीर भी ऐड कर सकते हैं। शाम के 6:30 बज चुके थे, माँ वगैरह ने भी चाय नहीं पी क्योंकि वो भी हमारे आने का वेट कर रहे थे। चना चाट और पेस्ट्रीज खाने के बाद सबका कहना था कि वो डिनर स्किप करेंगे। और यहाँ पे एक्सरसाइज करके और फ्रेश होने के बाद जैसे ही जैस्मिन निकली, मम्मा ने उसे एक दो काम बताए, तो वो रिगार्डिंग जैस्मिन की अपनी दादी के साथ कुछ मस्ती चल रही है। मम्मा का न्यूज सुनने का टाइम है, मैंने सारा अपना काम फिनिश कर दिया, मम्मा न्यूज सुनेंगे। पता कि उनकी पोती कुछ नहीं करती है तो उनको तो करना पड़ेगा ना। पता उनकी पोती शहजादी है। हाँ हाँ, कहाँ की, कौन से महल की? जैस्मिन लैंड। कौन से मैप पे है? कुलदीप जी और उदय बाहर जॉगिंग कर रहे थे, तो एक बार फिर से डिनर के रिगार्डिंग में सबसे कंफर्म कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ बॉयल एग्स लेंगे। तो एग मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए और मम्मा और अपने लिए ओट मील बनाया, लेकिन अभी भूख नहीं थी तो सोचा रुक के खाऊंगी, तब थोड़ा काम निपटा लेती हूँ। मेरे पास जैम और हनी की ऐसी बहुत सी बॉटल हैं जिनमें किचन की काफ़ी आइटम्स मैं स्टोर करती हूँ। आप सबके पास भी ऐसी बहुत सी बॉटल्स इकट्ठा होंगी, लेकिन इनकी लिड्स देखने में उतनी अच्छी नहीं लगती। तो पहले भी मैंने कुछ लिड्स को पेंट किया था और आज भी कुछ अलग वे में इनको पेंट करने का इरादा है, ताकि ये देखने में और भी खूबसूरत लगें। किसी भी चीज़ को पेंट करने से पहले प्राइमर किया जाता है, तो प्राइमर हम घर पर ही बनाएंगे। 2 चम्मच मैंने POP ली है, 2 चम्मच डाले हैं उसमें फेविकॉल, और डबल क्वांटिटी यानी कि 4 चम्मच लेंगे हम अक्रैलिक वाइट पेंट। और इन सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, चाहे थोड़ा सा पानी भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि प्राइमर हमें रनिंग नहीं चाहिए तो बहुत थिक भी नहीं चाहिए। घर पे ये प्राइमर काफ़ी सस्ता बन जाता है। अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो 1 kg का पैकेट 35 रुपये में आपको हार्डवेयर की किसी भी शॉप से मिल जाएगा। स्पेशली पेंट करने के लिए जो प्राइमर आता है, जिसे हम जेसो कहते हैं, वो काफ़ी कॉस्टली भी होता है। तो यहाँ बॉटल्स की कुछ लिड्स मैंने रख ली हैं और आप देखेंगे कि इनको पेंट करना कितना इजी है। तो प्राइमर लगा रही हूँ मैं सबसे पहले। एक्रेलिक पेंट आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा अब्जॉर्ब होता है। प्राइमर लगाने से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, वो देखने में भी ज़्यादा ग्रेसफुल लगता है।
मैंने भी थोड़ा सा ही काम किया था कि जैस्मिन ने मुझे ज्वाइन किया और उसने कहा कि मैं मम्मा प्राइमर करती हूँ, तब तक आप डिनर कर लो। तो मेरे ओट मील भी रेडी थे, मम्मा अपना खा चुके थे, तो सोचा कि जब तक प्राइमर सूखेगा तब तक मैं अपना डिनर फिनिश कर लेती हूँ। ओट मील की रेसिपी मैं बहुत बार अपनी वीडियोज में शेयर कर चुकी हूँ, खासकर ब्रेकफास्ट रेसिपीज में। अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है जैसे कि मम्मा को भी है, तो डिनर में अगर आप ओट मील लेते हैं तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। क्योंकि फ़ैन ऑन है और गर्मी का सीज़न है तो जल्दी जल्दी प्राइमर सूख गया है, तो बस मैं अब पेंट करती जाऊंगी। एक्रेलिक पेंट लिया है मैंने, वाइट पेंट, आप कोई भी कलर जो भी आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। तो बस एक एक कोट मुझे पेंट का लगाना है। प्राइमर लगाने का यही फ़ायदा है कि आपको पेंट का डबल कोट नहीं करना पड़ेगा। हनी और जैम के जार्स को हमेशा हमें रिसाइकल करना चाहिए, क्योंकि ये ग्लास के जार्स होते हैं और मैं तो हमेशा इन्हें यूज़ करती हूँ, लेकिन इनकी लिड्स की वजह से लुक उतनी अच्छी नहीं आती, तो जब भी टाइम मिले इन्हें पेंट कर लेती हूँ। तो बस एक एक कोट मैंने वाइट पेंट का लगाया और उसके बाद जैसे ही पेंट सूख गया तो मैंने रेड पेंट के साथ पोल्का डॉट्स बनाए, और आप देख सकते हैं कि इनकी लुक बिल्कुल चेंज हो चुकी है। आप अपने मनपसंद के कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं और ये पेंट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, आप जैसे चाहे इनको वॉश कर सकते हैं। तो जैस्मिन ने मुझे हेल्प किया तो काम काफ़ी जल्दी हो गया। आप सबके कमेंट्स के रिप्लाई करने के साथ साथ इंस्टाग्राम पे जो आप पर्सनल मैसेजेस करते हैं उनके भी रिप्लाई करने की मैं पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। हो सकता है कभी शेड्यूल बिजी होने की वजह से मैं नहीं रिप्लाई कर पाऊँ, तो प्लीज़ डोंट फील बैड। और आप सब जो अपना प्यार और सपोर्ट हमारी फैमिली को दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।